वन जीरो सेवन जोलॉजी सोल्यूशनस क्वेश्चन नंबर थ्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटेना है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज़ का ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है इसका जो टॉक्सिन है वो किसको टारगेट करता है तो देखिए जॉ मसल्स को ये टारगेट करता है लॉन्ग जॉ डिजीज़ इसके लिए जानी जाती है तब जॉ मसल जो है वो कैसी मसल है वो वॉलेंट्री मसल है तब इसमें सही आंसर सी हो जाएगा तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डेंस रेगुलर कनेक्ट इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्या बनाता है ये कॉर्ड एंड शीट बनाते हुए मौजूद होता है ठीक है तो ये कहाँ पर मिल रहा है तो याद रखना है दोस्तों ये टेंडन नहीं बनाता डेंस रेगुलर का बना हुआ है तो यहाँ तो नहीं मिलेगा लिगामेंट यहाँ भी नहीं मिलेगा तब स्किन ये इसका बेस्ट एग्जांपल, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन एंड मेचोर इंसुलिन इज इनकरेक्ट तो दोस्तों यहाँ पर हमें इनकरेक्ट पहचानना है प्रो इंसुलिन इज़ मेड अप ऑफ थ्री पॉलीपैप्टाइड चेन्स ठीक है एक हो गई चेन ए एक हो गई चेन बी और एक सी पैप्टाइड चेन तो टोटल तीन चेन से मिल करके ये बना हुआ है तो ये वाला तो करेक्ट हो गया सी पैप्टाइड सी पॉलीपैप्टाइड चेन विथ थर्टी थ्री अमाइनो एसिड इज रिमूवड प्रायर टू द इंसुलिन फॉर्मेशन ये भी सही है है ना नहीं तो वो प्रो इंसुलिन ही बना रहेगा जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है मैच्योर इंसुलिन इज़ मेड अप ऑफ फॉर फिफ्टी वन अमाइनो एसिड्स अरेंज इन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स बिल्कुल ठीक है एक होती है चेन ए ठीक है दूसरी चेन बी इसके अंदर ये अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो देखो आप चेन बी के अंदर थर्टी अमाइनो एसिड्स हैं और चेन ए में ट्वेंटी वन अमाइनो एसिड्स हैं तो ये आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज से ये चेन जुड़ी रहती है तो ये भी ठीक हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन ए है थर्टी अमाइनो एसिड नहीं बी में थर्टी अमाइनो एसिड है तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया फिर देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर इंटरकनेक्टेड बाय ओनली डाइसल्फाइड लिंकेज ओनली नहीं कह सकते हैं ना इसके अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं ओनली वन नहीं एक से ज्यादा भी हैं कम से कम दो तो हैं डाई सल्फाइड लिंकेज तो देखो आप ये वाला भी रॉन्ग हो गया तो फोर्थ एंड फिफ्थ ये रॉन्ग है तब इसमें जो भी इससे रिलेटेड ऑप्शन होगी वो सही आंसर आएगा ठीक तो है तो फोर्थ एंड फिफ्थ ये रॉन्ग स्टेटमेंट है देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन अ मॉस्किटोबॉर्न वायरल डिजीज इज मॉस्किटोबॉर्न वायरल डिजीज तो देखिए डेंगू मॉस्किटोबॉर्न है टाइगर मॉस्किटो इसको फैलाता है येलो फीवर ये भी मॉस्किटोबॉर्न डिजीज है ठीक है तब ये वायरल इन्फेक्शन्स हैं दोनों ही तो डेंगू चिकनगुनिया येलो फीवर ज़िका इन्फेक्शन ये सब वायरल इन्फेक्शन है और मॉस्किटो बॉन्ड भी हैं ठीक है जो येलो फीवर होता है वो फ्लेवी वायरस से कॉज होता है है ना इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसको देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हेप्लॉइड सेल्स फाउंड विद इन द सेमिनीफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टीज आर सेमिनीफेरस टिब्यूल्स कौन सी हेप्लॉइड सेल्स मिलेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोगिया डिप्लॉयड हैं तो येड नहीं है स्परमेटेड हेप्लॉयड है सेकेंड्री स्पर्मेटोसाइड हेप्लॉइड स्परमेटेड हेप्लॉयड तो देखिए आंसर बी जो है वो करेक्ट है सेकेंड्री स्पर्मेटोसाइड हेप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डिप्लॉइड स्परमेटेड हेप्लॉयड परमेटोसाइट्स ये डिप्लॉइड तब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जाए देखिए अब इसके बाद थर्टी वन क्वेश्चन थर्टी वन को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इनर ईयर पार्ट्स कंपराइज ऑफ हेयर सेल्स ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इनर ईयर पार्ट्स कंप्राइजेज ऑफ हेयर सेल्स तो देखिए हेयर सेल्स कहां कहां पर मिलती हैं तो ऑर्गन ऑफ कोटाई में हेयर सेल्स हैं ये तो डैम शॉर है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर होती हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटस के अंदर हेयर सेल्स हैं तो यहाँ पर वेस्टिबुलर ऑपरेटस में हेयर सेल्स नहीं हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई में है क्रिस्टा एम्पुलस इस इसके अंदर हैं तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है देखिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन एनिमेलिया से रिलेटेड इसका नंबर मुझे एक बार देखना पड़ेगा तो अभी आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन पर वापस देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी है ये है ना तो ये क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टीथ क्वेश्चन है ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास फाइलम आर कलेक्ट करेक्टली मैच्ड तब देखो ए जीनस जो है वो सलामेंड्रा टू कैरेक्टर्स टेम्पेनम रिप्रेजेंट्स यर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल क्लास या फाइलम एम्फीबिया तो देखिए ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है ठीक है फिर उसके बाद टेरोपस यानी चमकादड़ स्किन पजिजेज हेयर बिल्कुल ठीक है ओवी पेरस ये नहीं होती हैं तो ये रॉन्ग हो गया इसमें जीनस ऑरेलिया यानी जेलीफिश नीडोब्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है तो ये रॉन्ग हो गया जीनस एस्केरिस ठीक है बॉडी सेगमेंटेड कभी नहीं होती है तो यहाँ पर ये वाली ऑप्शन रॉन्ग हो गई तो देखिए करेक्ट आंसर जो है वो इसके अंदर ए है तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ए इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्टी के ऊपर थर्टी को देख लेते हैं अच्छा ये क्वेश्चन थर्टी ही था सॉरी है ना ये अब यहाँ से मैंने शुरू से ले लिया इस क्वेश्चन को क्वेश्चन थर्टी फिफ्थ इसको देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू ट्यूबैक्टॉमी इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन वासक्टॉमी एंड इज इवन मोर डिफ़िकल्ट टू रिवर्स नॉट ट्रू पहचानना है इसका मतलब एक ही रॉन्ग है बाकी सब राइट हैं तो बिल्कुल ठीक है ये वास डेफरेंस सुपरफिशियली सुपरफिशियल सर्जरी से होता है इसमें थोड़ी डीप सर्जरी होती है ट्यूबेटोमी में तो ये वाला तो करेक्ट है नो ओवोल्यूशन अकर्स आफ्टर द ट्यूबेक्टोमी हैंस नो फर्टिलाइजेशन नहीं फैलोपियन ट्यूब काट के हटाते हैं इस मतलब बांध देते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरी काम नहीं कर रही है ओवरी तो काम करेगी ये वाला जो है वो रॉन्ग है बाकी देख लेते हैं इट इन्वॉल्व लाइगेशन ऑफ बोथ फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक है बांधने से ही रिलेटेड है द फेलियर रेट ऑफ दिस मेथड इज़ ऑलमोस्ट जीरो बिल्कुल सही है तो देखिए इसमें सही आंसर जो है वो बी जाएगा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पर कॉमन फीचर्स ऑफ स्ट्राइटेड एंड फेंटली स्ट्राइटेड कार्डियक मसल्स आर तो देखिए इसमें क्या कॉमन फीचर्स हैं प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन तो होंगे ही होंगे यूज ऑफ कैल्शियम फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन हमेशा होता है वेस्कुलरिटी मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट है गैप जंक्शन यहाँ पर नहीं होंगे कंट्रोल बाय विसरल या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं ये सी एन एस के पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आएगी ठीक है तो देखो आप इसमें सी जो है वो सही ऑप्शन आएगा जिसमें ए बी सी ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं और सही हैं क्वेश्चन थर्टी थ्री को देखिए आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन ए एन एफ एट्रियल नेट्रीयटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल से रिलीज होता है बिल्कुल गलत हो गया ये एट्रिया से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन पोस्टियोपेट्यूट्री से ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स तो देखिए आप ऑक्सीटोसिन हाइपोथेलेमस से रिलीज होता है पोस्टियोपिट्यूटरी से रिलीज नहीं हो पोस्टियो पेट्री से रिलीज होता है होता है हाइपोथेलेमस में तो ये भी रॉन्ग हो गया मिलेटोनिन पीनियल ग्लैंड रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल ये बिल्कुल ठीक है प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है ठीक है स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है और ये क्या काम करता है ये प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है तब इसकी वजह से इम्प्लानशन पॉसिबल हो पाएगा क्वेश्चन थर्टी टू वेन ए न्यूरोन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्जोनल मेम्ब्रेन इज तो बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा बाहर सोडियम एक्सेस में होगा अंदर की तरफ पोटेशियम एक्सेस में होगा तब देखिए इस वक्त पोटेशियम के लिए इसकी परमिएबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है सोडियम के कंपैरिजन में कितनी होती है टू हंड्रेड टाइम ज़्यादा होती है तो डी ऑप्शन में यही लिखा हुआ है वर्ड्स में देखिए फोर्टी वन ऐसमा इज़ करक्टराइज बाय किससे पता चलता है हमेशा का ये क्वेश्चन है इजी सा क्वेश्चन है जो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रॉन्क्यूल्स हैं उनमें इन वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन तेजी से डेवलप हो जाता है जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फोर्टी देखिए द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट इन अ सेल कितना है तो बी ऑप्शन जो है वो फाइव टू सेवन परसेंट है तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन थर्टी नाइन कौन सा है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स अमंग द फॉलोइंग आर लाइंड बाय स्क्मस एपिथीलियम पहला इनर विसरल लेयर ऑफ वोमन कैप्सूल आउटर पेराइटल लेयर ऑफ वोमन कैप्सूल तो देखिए हमें स्क्वेमस एपिथीलियम इससे लाइंड स्ट्रक्चर को ढूंढना है इनर विसरल लेयर ऑफ वोमन कैप्सूल स्क्वेमस एपिथीलियम है क्या आउटर पेराइटल लेयर ऑफ वोमन कैप्सूल सी प्रॉक्सीमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कभी भी नहीं होगी थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप ये होगा थिक सेगमेंट ये नहीं होगा डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कलेक्टिंग डक्ट तो देखो आप ये तीन है यहाँ पर जो सेल्स हैं ये सिंपल स्क्वास एपिथीलियम ये सेल्स पोडोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं तो तीन आ गया इसका तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग देखिए राइट क्या है ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम बिल्कुल ठीक है क्यों क्यों ठीक है क्योंकि यहां पर जीई एन लगा हुआ है जो उसको इनएक्टिव बना देता है तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है देखिए अब क्वेश्चन थर्टी सेवन विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीसीआर पीसीआर में किसकी जरूरत नहीं है तो देखिए मिथाइलेशन अगर हो गया तो वो अनस्टेबल बना देगा जो पीसेज अलग हो रहे हैं और उस वजह से इलोंगेशन नहीं हो पाएगा पॉलिमराइजेशन नहीं हो पाएगा तो मिथाइलेज की ज़रूरत पी को नहीं है इसके बाद क्वेश्चन थर्टी सिक्स ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स क्या मतलब हुआ इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन क्वेश्चन फिफ्टी देखिए द गिवन इलस्ट्रेशन शोज़ द स्कल ऑफ टू डिफरेंट मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन दीज स्कल्स ए और बी दो स्कल्स दी गई हैं तब देखो स्कल हैज लेस ब्रेन कैपेसिटी देन स्कल स्कल ए कि जो ब्रेन कैपेसिटी है वो कम है स्कल बी के कंपैरिजन में बी स्कल ए इज ऑफ प्राइमेट एंड स्कल बी इज नॉट ऑफ प्राइमेट सी स्कल ए इज द स्कल ऑफ ह्यूमन बिल्कुल ठीक है स्कल बी स्कल ऑफ ए पे देखिए आप सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया क्वेश्चन फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल विच इज नॉट यूज बाय वेमेन क्या कहलाएगा कॉन्डम या निरोध ये वो मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए डेवलप किया गया है देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द एक्रोमियन प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ किसका पार्ट है ये ह्यूमरस स्टर्नम क्लेविकल तो याद रखना है ये स्केपुला का प्रोसेस है क्वेश्चन 47 सेवन इफ द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इज टू हाई इट कैन बी रिड्यूज इमीजिएटली बाय बहुत ज़्यादा शुगर हो गई है तो इंजेक्शन ले लेते हैं इंसुलिन के तब ये शुगर सेल्स के अंदर शिफ्ट कर जाएगी क्वेश्चन फोर्टी सिक्स सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल्स ऑफ क्लास मेमिलिया। इनमें से कौन सा मेमिलिया का मेम्बर है तो लाइन हिप्पिन ये एव्स या बर्ड्स का है लाइन बैट वेल ऑस्ट्रिच हिप्पो पेंगुइन, मेल वेल और कैंगरू ये सब के सब सॉरी uh, uh, ये पेंगुइन आंसर में नहीं आना चाहिए ना अब डी देखते हैं वेल बैट हिप्पो. तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय तो देखिए प्रोजेस्ट्रॉन को कौन प्रोड्यूस करता है कॉर्पस ल्यूटियम करता है और प्लेसेंटा करता है तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है फोर्टी थर्ड विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओ मटीरिया ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड मोजैक विजन जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है लेकिन रेजोल्यूशन कम होता है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है फोर्टी सेकेंड को देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू मार्का सेल विच डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग मोनोसाइट की फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है ये तो जानी इसके लिए जाती है न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करती हैं तो तीन तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है एक नहीं है कौन सा बेसोफिल जो है वो ये काम नहीं कर सकती इफ न्यूरल सिग्नल्स आर सेंट थ्रू The parasympathetic nerves of the A.N.S. the heart will. तब देखो हार्ट रेट अगर parasympathetic सिस्टम काम कर रहा है तो जो बढ़ गई थी वो वापस कम होना स्टार्ट हो गई है तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा क्वेश्चन 55 फाइव को देखते हैं देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच करेक्ट को भी और इनकरेक्ट को भी मैच करना है अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं गलत हो गया वाइटल कैपेसिटी टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी बिल्कुल सही है तो सेकेंड वाला सही है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अच्छा थर्ड देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये रॉन्ग हो गया टाइटल वॉल्यूम टी वी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आई सी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो बिल्कुल सही है तो सेकेंड एंड फोर्थ ये दो करेक्ट हैं फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है यानी ऑप्शन बी जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे वो सही आंसर हो गया क्वेश्चन फिफ्टी फोर रिड्यूसिंग शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग फ्री एल्डीहाइड और कीटोन ग्रुप यानी एल्फा हाइड्रोक्सी एल्डीहाइड और एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये होना चाहिए तो ऑप्शन सी के अंदर सही आंसर है क्वेश्चन ए देखिएगा द एसिड सेपरेटिंग बायोमोलिक्यूल्स कौन सा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसी के अंदर हम क्रश करते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं है ना जो भी टिश्यू लेते हैं उसको हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर ही क्रश करेंगे इसके बाद क्वेश्चन फिफ्टी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ज इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट को हमें पहचानना है तब देखिए द मेडुलरी जोन ऑफ किडनील इनसाइड द किडनी द कोर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुल पिरामिड एज रीनल रीनल पेल्विस तो बेस पर होता है तो यह बिल्कुल ही ब्लटली रॉन्ग हो गया है ना तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इसको देख रहे हैं क्वेश्चन फिफ्टी वन यू डिस्कवर्ड अववेल यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्लोज इन द डार्क यू बिलीव दिस स्ट्रेट इज ड्यू टू अ सिंगल जीन एंड यू विश टू क्लोन द जीन Which of the following strategies is most likely to be successful? First, uh, isolate the genomic DNA from the organism, digest with a restriction endonuclease, insert into a plasmid vector and transform into bacteria. Screen colonies for the ability to glow in the dark. Second, isolate the genomic DNA from द ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट विद ए रेस्ट्रिक्शन एंड टू न्यूक्लिए इंसर्ट इंटू ए प्लास्मिक फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्म इन टू यूकेरियोटिक सेल्स सच इज ईस्ट थर्ड देखिए आइसोलेट एम आर एन ई फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म जनरेट सी डी एन ए क्यों करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डी देखो आइसोलेट एम आर एन ए फ्राम दर्गेनिज्म रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड एंड जनरेट सी डी एन ए इंसर्ट इंटू ए प्लास्मिड फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्म इंटू यू सेल सच एज ईस्ट स्क्रीन कॉलोनीज फॉर द एबिलिटी टू ग्रो इन द डार्क तो देखिए इसमें सही आंसर क्या आएगा डी आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा सही बताया जा रहा है वो आंसर डी है क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द गिवन इलस्ट्रेशन शोज द स्कल ऑफ टू डिफरेंट मैमल्स है ना इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं देखिए क्वेश्चन सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग वुड नेसेसरीली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट तो देखो आप या तो लोग वहाँ से चले जाएँ या वहाँ पर लोग मर जाएँ तो जो है पॉपुलेशन है किसी एक हैबिटेट में वो कम हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही आंसर हो गया फिर देखिए क्वेश्चन सेवेंटी एट साइक्लोस्पोरिन ए एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय तो देखो आप आंसर बी आएगा इसमें ट्राइकोडरमा बिल्कुल एन सी आर टी बेस सीधा सा क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन सिक्सटी सेकेंड द कोलियोपटरन इंसेक्ट्स दैट कैन बी किल्ड बाय द प्रोटीन्स बाय बाई बेसिलसरजियंसिस इज तो देखिए कोलियोपटेरा में सारे बीटल्स आते हैं तो ए जो है वो सही आंसर है ये बीटल जो है वो इस वैक्सीन या मेडिसिन से हट जाएंगे किल कर दिए जाएंगे द सडन इंक्रीज सिक्सटी वन देखो द सडन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल तब देखो किस में सर जाता है तो एल एच में सर जाएगा तो ऑप्शन ए अपने आप करेक्ट हो गया बहुत ईजी क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्सटी पर आइए विच ऑफ दीज इज़ नॉट एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर ए क्लोनिंग वैक्टर तो देखिए क्लोनिंग वैक्टर के पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं ओरिसाइट बहुत ज़रूरी है मार्कर साइट्स बहुत ज़रूरी है क्लोनिंग साइट्स तो देखो आप ये भी ज़रूरी है तब बचा क्या हाई कॉपी नंबर एक वेक्टर का इस पे कोई यूज़ नहीं है यूटिलाइजेशन नहीं है अगर लो कॉपी नंबर वाला वेक्टर हुआ तो वो भी यूज़ किया जा सकता है इजीली तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन फिफ्टी नाइन देखिए मिलर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ए बायोजेनेटिक ए बायोजेनिक मोलिकुलर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ विच मॉलिक्यूल वॉज नॉट प्रेजेंट इन मिलर एक्सपेरिमेंट तो मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स ये लिए गए थे ऑक्सीजन नहीं ली गई थी तब ए जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ए करेक्ट आंसर है इसमें क्वेश्चन फिफ्टी एट एज ए पार्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोजेक्ट शीला सर्जिकली मेड अ फुल कट इन द हाइपोथेलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट इन प्रेगनेंट रेबिट्स एंड स्टडीड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन विच ऑफ़ द फॉलोइंग शुड बी एक्सपेक्ट पहला फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन दूसरा इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल देखिए ये वाला बिल्कुल सही है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल तीसरा देखिए इंक्रीज हार्ट रेट फोर्थ डिफिकल्टी इन पार्टोरिशन तो ये डी जो है वो सही आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं यहाँ पर क्वेश्चन फिफ्टी सेवन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या है मेमोराइज करवाना होता है ये इनका सिंपल सा प्रिंसिपल है तो देखो आप बी इसके अंदर सही ऑप्शन टू तो Retain memory. Question eighty nine. Sickle cell anemia is due to transversion mu mutation in which instead of instead of glutamic acid, valine comes at number six position in one of chain hemoglobin. तो सिकल्स एनीमिया इसमें जो एच बी है उसकी एक पोजीशन पर कौन आ जाता है इसके अंदर इसकी एक पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके वेलिन आ जाता है देखिए एक ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं पीक ए शार्प इंक्रीज इन बी है ना ये एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यही वाला था क्वेश्चन नंबर एटी टू द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ सीवेज इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज

ए के अंदर इसमें सही एक्सप्लेनेशन है ठीक है तो आंसर ए इसका बिल्कुल सही है देखो दोस्तों ये हमने टेस्ट वन जीरो सेवन